खबर टीवी में मैं हूँ आपके साथ अंकिता। इस वक्त की अहम खबरों के ज्ञान नगर निगम वार्ड घूम रहे हैं, क्या रिस्पांस मिल रहा है? रिस्पांस हमें बेहतर मिल रहा है। रिस्पांस जब अच्छा मिल रहा है तो हम अच्छे तरीके से इनके साथ हैं और हमारे साथ काफी लोग हैं, हम अकेले तो नहीं है। आपको लग रहा है ये वोट में कन्वर्ट होगा जो जितना लोग दिख रहे हैं? बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। खामोशी सबसे बड़ी ताकत होती है। ये जरूरी नहीं है कि हम हल्ला हंगामा कर ही के सब काम कर लें। हल्ला हंगामा वो लोग करते हैं जो हमेशा गलत तरीके से आगे पीछे चलते हैं, और खामोश आदमी वो रहता है जो बेहतर इज्जत के तरीके से हर काम को अंजाम देता है। मैंने खामोशी में ही छिपा हुआ है कुछ राज। खामोशी भी है और हम लोग हैं, सामने हैं, ऐसा नहीं है, जो होगा देखा जाएगा। क्या नाम हुआ सर आपका? सैफ शाहिद। चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं और लगातार जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं, क्या लगता है, क्या उम्मीद है कि आप जीत पाएंगे और क्या कुछ कर पाएंगे अगर जीतते हैं तो? पब्लिक हमारे साथ है, हम लोग से डोर टू डोर जाकर के मिल रहे हैं तो लोग यही बोल रहे हैं कि नहीं आप यहाँ के हैं, लोकल हैं, बेहतर हर चीज़ों की समझते हैं और जीत करके आएंगे तो इंशाल्लाह हम उनकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। जो भी उनकी प्रॉब्लम परेशानियाँ रहेंगी उसको हम हर संभव दूर करने की कोशिश करेंगे, जितना हमसे क्षमता हो, अगर वो हमारे लिमिट में हो या ना हो, हर संभव कोशिश करने की कोशिश करेंगे। एक बड़ा सवाल है, एक बाहरी और एक मोहल्ले का वार्ड का, इस दोनों के बीच में लोगों में कहीं दुविधा है, बाहरी बाहरी क्यों कहा जा रहा है, क्या बाहरी से एक्चुअली काम नहीं कर पाएंगे? एक्चुअली ये लोकल चुनाव है, समझ गए, ये MLA MP की तो है नहीं, ये लोकल चुनाव है और ये एक तरह से कहिए कि ग्राउंड रियलिटी जो है वो बेहतर जो है लोकल वाले लोग समझेंगे, जो यहाँ के हैं, रहने वाले हैं, बाशिंदे हैं, गली गली को देखते हैं, घूमते हैं, देख रहे हैं कि क्या स्थिति है। बाहर के लोग जो हैं वो सिर्फ मेन रोड पे आएंगे, एक चक्कर लगाएंगे और वो फिर यहाँ से निकल जाएंगे, फिर पता नहीं हो कब दिखेंगे या नहीं दिखेंगे, इसीलिए लोग बाहरी और लोकल का, और जिनका अपना कुछ यहाँ पे है ही नहीं, न जनाधार है, न उनके लोग हैं, कुछ कुछ नहीं है, इसीलिए। और मैं यहाँ के लोकल बाशिंदा हूँ, लोगों को परिस्थितियों को बेहतर तरीके से समझता हूँ, इसीलिए लोग बाहरी को बाहर कर देंगे और अपने लोग जो यहाँ के लोग हम हैं, लोकल लोग हैं, उनको लोग प्यार देंगे, जन समर्थन देंगे और हम समर्थन देंगे। आसिफ भाई बहुत अच्छे प्रत्याशी हैं जी, उनके कोई दाग नहीं है और बहुत अच्छे प्रत्याशी है, इस बातचीत है बहुत अच्छे, इनके हर घर परिवार के लोग बहुत सबसे अच्छे हैं, सब मिलजुल कर रहते हैं माशाल्लाह, इनके ताल्लुकात भी बहुत अच्छे हैं। वार्ड नंबर 26 सही है? 26। क्या नाम है? मेरा नाम है मोहम्मद फरहान। जिस तरीके से चुनाव चल रहा है इसमें पूरे गया शहर के कहीं ना कहीं पूरा नज़र टिकाए हुए, क्या कुछ यहाँ अलग है और क्यों इस तरह का मामला आ रहे हैं और कुछ किसी तरह का आरोप भी लग रहे हैं एक प्रत्याशी के ऊपर, क्या कहेंगे? ये सबसे बड़ी चीज़ है कि वार्ड नंबर 26 जो है आपको एक साफ सुथरी छवि के एक प्रत्याशी खड़े हैं, आसिफ एहसान साहब, उनके प्रति उनके अगेंस्ट में दूसरे व्यक्ति खड़े हुए हैं। सबसे बड़ी बात है कि और भी कई व्यक्ति ऐसे भी प्रत्याशी हैं जो करप्टेड हैं, जो माने जाते हैं, आए दिन लोग जानते भी हैं क्या वो करप्टेड हैं। तो आपको सोचने की ज़रूरत यह है कि वार्ड नंबर 26 की जनता को चूज़ करना है, सोचना है कि हमें कैसा प्रत्याशी चाहिए, आसिफ एहसान जैसा व्यक्ति चाहिए या फिर किसी और तरीके से चाहिए। अगर आसिफ एहसान साहब को मौका दिया जाता है तो हमें उम्मीद है कि 26 नंबर वार्ड की जनता के लिए बेहतर से बेहतर भलाई होगी। क्या इनका चुनाव चिन्ह क्या है? चुनाव चिन्ह टिम्पू छाप है, कर्म संख्या 3 पे। जिस साफ छवि की बात की जा रही है क्या कुछ उसमें अलग है और इनमें क्या कुछ अलग है जो आप इस तरीके से? सबसे बड़ी बात है कि आपकी ये लोकल क्षेत्र के हैं और लोकल वार्ड के आपके व्यक्ति हैं, तो अगर कोई मामला अगर होते हैं आपके साथ, दुख या सुख होते हैं, तो सबसे पहले आप इस जो भी मामला होंगे तो आपके साथ आसिफ एहसान साहब आएंगे, ना कि कोई दूर से आपके लिए आएंगे। दूर से आने वाले को वक्त लगेगा, लेकिन जो आपके पास में होंगे सबसे पहले देखा जाता कि आपके पड़ोस के जो लोग होते हैं, जो आपके घर के आसपास होते हैं, वो सबसे पहले आपके लिए आएंगे। तो ऐसे व्यक्ति को ही देना चाहिए। दूसरी साफ सुथरा छवि के व्यक्ति हैं,
कोई मामला कोई दाग नहीं है इनके पे या इनके पूरे परिवार पे, किसी तरीके से कोई आरोप नहीं है। और भी कई ऐसे प्रत्याशी जिन पर कई आरोप हैं, बहुत सारे मामला उन पर लगे हुए हैं, आए दिन कितने केसेस भी होते रहते हैं। इन सब चीज़ को देखने और समझने की ज़रूरत है कि मुझे प्रत्याशी कैसा चाहिए, साफ सुथरा प्रत्याशी चाहिए। तो आसिफ एहसान साहब को सपोर्ट करें और विजयी बनाए, और हमें उम्मीद है कि 26 नंबर वार्ड की जनता बहुत बेहतर समर्थन दे रही है। आप छवि की बात कर रहे हैं, क्या लगता है कि इस साफ छवि को ही लोग चुनेंगे या फिर उसी तरीके से लोग चुन पाएंगे? नहीं नहीं, हमें उम्मीद है कि साफ सुथरा छवि के व्यक्ति को ही लोग चुनेंगे, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। हर लोग चाहते हैं कि हमें बेहतर से बेहतर प्रत्याशी हमारा हो जो हमारे साथ बेहतर हो। और दूसरी चीज़ है कि हमारे करप्टेड कोई बंदा होगा तो उसके साथ आए दिन कहीं ना कहीं मामलात होते हैं। और दूसरी चीज़ है कि साफ सुथरा छवि के लोग होंगे तो आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे, कोई मामलात नहीं है, किसी तरीके से कोई आरोप नहीं लगा सकते हैं आप। ये व्यक्ति ऐसे हैं कि 26 नंबर वार्ड के अंदर आप किसी से भी एक व्यक्ति से पूछ लीजिए तो इन पर कोई आरोप नहीं लगाया जा सकता। और जो अगले प्रत्याशी है तो उनके बारे में बहुत से ऐसे लोग हैं, उनके बारे में बताना मुश्किल है या सभी लोग जानते हैं कि क्या है नहीं है। परिचय दे दीजिए। मोहम्मद फिरदौस अहमद, राष्ट्रीय उलमा काउंसिल, प्रदेश अध्यक्ष, बिहार।